हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। फाइन दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एएससी सेंटर साउथ और नॉर्थ बेंगलोर के बारे में। फाइन दोस्तों, एक और यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। दोस्तों, किस पोस्ट में एडमिट कार्ड जारी हुआ, कितने परसेंटेज पर ये एडमिट कार्ड आए और एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, तो दोस्तों ये सभी जानने के लिए बने हुई वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। फाइन दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एएससी साउथ और नॉर्थ बेंगलोर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें पोस्ट वैकेंसीज़ और सिलेक्शन प्रोसेस की कंप्लीट जानकारी दी गई है। फाइन दोस्तों, एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर के यहाँ पर एग्जाम डेट आउट कर दी गई, काफ़ी पोस्ट में यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दे दोस्तों। LDC और बाबा पोस्ट के बाद यहाँ पर टीन स्मिथ में यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हो गया दोस्तों। देख सकते हैं टीन स्मिथ में टोटल वैकेंसीज थी 8। और फाइन दोस्तों, इसमें यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए दोस्तों। आप दिखा दूँ कि यहाँ पर किस तरह से किस कितने परसेंटेज पर यहाँ पर टीन स्मिथ का यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर ये एडमिट कार्ड आया टीन स्मिथ का। फाइन दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर टीन स्मिथ में फॉर्म अप्लाई किया है उनको मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, टीन स्मिथ पोस्ट में अभी एग्ज़ाम यहाँ पर 5 जुलाई को रहने वाला, 6 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है। और बात करूँगा रिपोर्टिंग लोकेशन क्या रहने वाली है, तो दोस्तों एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर के जो 4 नंबर गेट है उससे आपकी एंट्री होने वाली है एग्ज़ाम के लिए। इसलिए कोई भी कैंडिडेट यहाँ घबराए नहीं। जिन कैंडिडेट ने टीन स्मिथ पोस्ट में फॉर्म अप्लाई किया था उनके एडमिट कार्ड आने लगे हैं। और दोस्तों, 5 जुलाई को यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। ये तो थी टीन स्मिथ पोस्ट के एडमिट कार्ड की डिटेल्स। उसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यह बाबर पोस्ट का एडमिट कार्ड यहाँ पर भी 5 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला देख सकते हैं दोस्तों। और बात करें रिपोर्टिंग टाइम की, तो यहाँ 6 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है बाबर पोस्ट के एग्ज़ाम में। और सेम लोकेशन रहने वाली है, 4 नंबर गेट है एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर 2ATC। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं बता दूँ कि बाबर के बाद LDC का भी यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। इसकी भी सेम डेट है, सेम लोकेशन है, सेम रिपोर्टिंग टाइम है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड आपके इस तरह से आने वाला आपके मेल आईडी पर देख सकते हैं, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसी तरह से आपकी मेल आईडी पर आने वाला है। चाहे आपने किसी भी पोस्ट में अप्लाई किया है, आपका SMS या फिर जो एडमिट कार्ड आने वाला इसी तरह से आने वाला है आपकी मेल आईडी पर। और दोस्तों, इससे ज़्यादा बता दूँ कि आधा पोस्ट में भी जल्दी एग्ज़ाम और फिजिकल एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। जैसे किसी अदर पोस्ट में एडमिट कार्ड आता तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। इसलिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और दोस्तों, इस साथ साथ मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्या आपको लेके जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या क्या एंट्री टाइम पर चेक होने वाली है। तो दोस्तों, जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आया मेल पर, उसका एक प्रिंट आउट लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना ओरिजिनल, और क्लास टेंथ की मार्कशीट लेके जानी है वो भी फुल ओरिजिनल लेके जानी है, और 2 जेरोक्स कॉपी लेके जानी है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर SC ST OBC से आते हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाने, ओरिजिनल प्लस 2 जेरोक्स कॉपी। और जो कैंडिडेट ने यहाँ पर EW से फॉर्म अप्लाई किया था वो सर्टिफिकेट लेके जाने, और जो कैंडिडेट यहाँ पर PW से आते हैं वो अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल लेके जाने हैं। और दोस्तों, एंट्री टाइम पर 2 डॉक्यूमेंट चेक होने वाले हैं, आधार कार्ड और जो आपका एडमिट कार्ड है, ये दोनों डॉक्यूमेंट चेक होने वाले हैं। जो आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अंदर चेक होंगे तभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और दोस्तों, इसी के साथ बता दूँ, किसी कैंडिडेट के यहाँ पर एडमिट कार्ड आता तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दें, जिससे कि मैं अदर कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर सकूँ कि किस पोस्ट में आप फॉर्म का जो एडमिट कार्ड आए हैं वो कितने परसेंटेज पर आए और आपका कब एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, आप मैं बता दूँ, टीन स्मिथ में जो एडमिट कार्ड आया है वो 55% पर आया है, और जिन कैंडिडेट के यहाँ पर 55+ में परसेंटेज में नहीं क्लास 10 पर, उनके सभी के यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जा रहे हैं। और बात करूँ दोस्तों यहाँ पर बारवा की, तो यहाँ पर 60% पर ये एडमिट कार्ड आया है बारवा पोस्ट में। और यहाँ पर दोस्तों बात करूँ यहाँ पर और ये LDC का, तो ये आया 65% पर यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया है। इसलिए कोई कैंडिडेट घबराए नहीं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कम परसेंटेज पर भी यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसा लगता है कि जिन भाइयों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है चाहे किसी भी पोस्ट में हो, सभी के यहाँ पर एडमिट कार्ड आ रहे हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि LDC वाइवर और टीन स्मिथ जो आपकी पोस्ट है उसका एग्ज़ाम 5 जुलाई को होने वाले हैं। तीनों पोस्ट के आपके एग्ज़ाम
5 जुलाई को होने वाले हैं दोस्तों। तीनों पोस्ट में एक ही दिन होने वाला है एग्ज़ाम, इसलिए कोई भी कैंडिडेट घबराए नहीं। अगर एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं या मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों इस साथ साथ बता दूं कि अगर आपके पास किसी अदर पोस्ट में एडमिट कार्ड आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दें, जिससे कि मैं अदर कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर सकूँ कि किस पोस्ट में कब फिजिकल और कब एग्ज़ाम, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो कितने परसेंटेज पर आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे किसी कैंडिडेट के यहाँ पर एडमिट कार्ड आए तो मुझे भेज दे इंस्टाग्राम पर, जिससे कि मैं अदर कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर सकूँ। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो कमेंट कर देना।